कोशिश करेंगे। डॉक्टर अर्लीन हमारे साथ जुड़ रही हैं, टेरेकॉट रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अंक ज्योतिष की ज्ञाता हैं। डॉक्टर अर्लीन बहुत स्वागत है आपका। और जो तस्वीर की उम्मीद हम लोग कर रहे थे वो तस्वीर, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री कुछ कर रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर सुन लेते हैं। और यही ताकत देता है। और चलिए सीधे रुख करते हैं डॉक्टर हरलीन का। डॉक्टर हरलीन, जिस तरीके की हम लोग तस्वीरों की उम्मीद कर रहे थे वो तस्वीरें पूरे देश में हमने देखी, और आप भी, आपने भी दिया जलाया, इस वक्त आपके हाथ में दिया है भी। अब यही समझना चाहते हैं कि इस दिए का, इस प्रकाश का महत्व क्या है। पैमाना होता है वो देखने को नहीं मिला। आपने प्रकाश जावड़ेकर को सुना, आपने उपराष्ट्रपति को देखा। और कानपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, महापर्व का जो मौका था, जो वक्त था, वो 9 बजे से लेकर 9:09 तक का था। आप किस तरीके की तस्वीर आप देखना चाहेंगे, तस्वीर कानपुर की? जी बिल्कुल, आपको अगर तस्वीरों की बात करें तो मैं अपने कैमरा सहयोगी अंकित से चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए। तो आपको हर घर पर सिर्फ और सिर्फ दीपक दिखेगा, और लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों के बाहर तस्वीरों में भी देखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लगातार जो दीपोत्सव है, जिसका आह्वान किया गया था पीएम मोदी की तरफ से, उसको पूरा करते दिख रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि अगर आप एकजुट हो, आप एक साथ हो, तो आपको कोई नहीं हराने वाला है, कुछ इसी तरह का मैसेज देने का जो प्रयास था हिंदुस्तान का, वो आज पूरा होता है। क्योंकि अखंडता में एकता जो यहाँ का मूल मंत्र है, वो देखने को मिलता है कि आज अपना देश जो है वो इस संकट के समय में भी एकजुट है। और एक आह्वान पर जिस तरह से लोगों ने होली के बाद, दिवाली जो काफी लंबे समय बाद आती है, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो दिवाली का जो मौका है वो यहाँ पर देखने को मिला है। लोग पूरी तरह से जो एहतियात है वो बरत रहे हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, अगर कानपुर की बात की जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं कि लगातार बरकरार है। तो वहीं अगर आपको दूसरी ओर की मैं अपनी तस्वीर दिखाऊंगा, तो आप जिधर भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ दीपक दिखेंगे आपको, और लोग जो है वो अपने घरों के बाहर अभी भी बैठे हुए हैं, जबकि 9 बजे से लेकर 9:09 तक का जो आह्वान किया गया था उसकी बात की गई थी, लेकिन पूरे देश में दीपोत्सव मनाया। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी दिख रहे हैं, आम से खास की बात करें सभी ने दिया जलाया। डॉक्टर हरलीन का एक बार फिर शुरू करते हैं, उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी। डॉक्टर हरलीन, जिस तरीके से पूरे देश ने मिलकर दिया जलाया, इस दिए का महत्व क्या है? किस तरीके से जो प्रकाश पुंज है, प्रकाश से ये हमारी संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ जी नमस्कार। देखिए, जो आज हमने दीप दिवस मनाया है, ये आपने तो सारी जगह से वीडियोस दिखाई दिए, बहुत सुंदर, बहुत भव्य जो है ये दिख रहा था। और दीप हम रोज वैसे भी अपने मंदिर में, अपने घरों में जलाते ही हैं। जो हिंदू, जो माइथोलॉजी है, जो हमारे जो हिंदू घर है, सब में रोज शाम को मैं मानती हूँ कि दिया जलता ही होगा। तो दिया, अगर हम दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसका महत्व तो जरूर होगा। जब इतने सदियों से, इतनी पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जो आप देखिए कि दीप जलाने का मतलब क्या है, प्योरिटी, प्योरीफाई करता है आपके घर को, अच्छाई लेके आता है, गुड लक को लेके आता है, अच्छी किस्मत को लेके आना, घर में दिया जलाया जाता है। और पहले तो जब बिजली नहीं थी, जब इतना वो नहीं था, लाइट नहीं थी, तो भी लोग दिया, लैंप जलाते थे। तो वहां से ट्रेडिशन चलता ही आ रहा है। और अभी भी सब कुछ होने के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होने के बावजूद, घर में एक कोने पर छोटा सा दिया जो जलता है, वो वातावरण को अपने आप ही बहुत अच्छा कर देता है। तो आप ये देखिए कि लाइट जो है, जब लाइट है वो जलते ही, या दिया जलते ही डार्कनेस से वो लाइट की तरफ लेके आता है, तो अंधेरे को मिटाता है। तो आज जो है, जो ये अंधेरा था, जो एक ईविल फोर्स थी हमारे ऊपर, हमारे आसपास, इसको दूर करने का प्रयास किया गया है आज मोदी जी के द्वारा। तो आप ये देखिए कि सब लोगों ने जलाया। तो अगर मैंने नंबर्स के थ्रू कैलकुलेशन करके, मैंने आपको बताया ही था आपके चैनल के द्वारा कि कैसे आज मंगल को पावरफुल किया है, मंगल को स्ट्रॉन्ग किया है हमने, तो दिया जलाने से बहुत सारे जो आसपास जो बाकी वायरस थे उसमें भी बहुत कमी आएगी। आप देखेंगे कि जब हम घर पे दिया जलाते हैं तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो वायरस होते हैं घर में, वो चले जाते हैं, वो मर जाते हैं। बिल्कुल, तमाम चीजें होती हैं। डॉक्टर हलीना आप हमारे साथ बनी रहिए।
देहरादून से आप जुड़ी हैं, तो देहरादून की एक बार तस्वीर भी देख समझ लेते हैं कि किस तरीके से लोगों ने वहां पर इस प्रकाश पर्व को मनाया। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर हम देहरादून की बात करें तो किस तरीके की तस्वीर है, तस्वीर भी देखना चाहेंगे, और कैसे लोगों ने इस प्रकाश पर्व को मनाया, कैसे दिए जलाए गए वहां पर? देखिए, अब देश में आपको ये तस्वीरें आप सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पीएम मोदी का एक आह्वान था कि रात के 9 बजे से लेकर 9 मिनट का एक समय मांगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और एक पूरी तरह से उसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है। तमाम पूरे शहर में आतिशबाजी हो रही है और लोग अब घरों से बाहर निकलकर मोमबत्ती जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके का ये समर्थन था। और सर आप बताइए, एक बड़ा एक आह्वान था पीएम मोदी का, किस तरीके से आप देखते हैं समर्थन भी पूरा मिला है? देखिए, मोदी जी ने ये दूसरी बारी आके अपना समर्थन मांगा है पूरे भारत देश से, और मैं समझता हूँ कि आज हर व्यक्ति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वजह से खड़ा है क्योंकि वो देश को इस समय एक बहुत बड़ी विपदा से निकालने का कार्य कर रहे हैं। और आज जो ये आह्वान उन्होंने करा है दिया और मोमबत्ती जलाने का अंधेरा करके, इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है। इसके पीछे जो मंगल हमारा जो ग्रह है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब अग्नि जा करके आकाश में पहुंचेगी तो वो ऐसा एक आध्यात्म माना जाता है कि वो कई सारी बीमारियों का अंत कर देती है। तो आज पूरा जो भारतवर्ष है वो सब लोग इसके साथ उनके साथ खड़े हैं कि भारत से ही नहीं पूरे विश्व से ये बीमारी जल्दी से जल्दी जाए, खड़ा है इस लड़ाई में और सभी एकजुटता के साथ अपना संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर एक वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। उम्मीदों का दिया जला, जमकर जला, पूरे देश ने जलाया। और एक बार फिर से रुक करते हैं टेरोकॉट रीडर डॉक्टर हरलीन का। हरलीन जी, जिस तरीके से तस्वीरें आई वो तस्वीरें बताती हैं कि पूरा देश एकजुट है। अब किस तरीके की हम सकारात्मकता की उम्मीद करें, किस तरीके से बदलाव होंगे? और जो लोग डिप्रेस महसूस कर रहे थे घरों में कैद होकर, क्या लगता है कि जब दिए जले हैं तो उनको सकारात्मक एनर्जी का संचार होगा और आराम से घरों में रह पाएंगे वो? देखिए, ये दिया जो है ये एक उम्मीद की किरण लेके आएगा। तो जो लोग भी डिप्रेस्ड हैं, जो लोग भी अपसेट हैं, ये दिया जब वो देखेंगे, ये जो लॉ देखेंगे, तो इसके बाद उनमें जरूर पॉजिटिव एनर्जी जागृत होंगी। जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी बोला जाता है कि दिया के जब हम एक तक होके इसके ऊपर देखते हैं तो मेडिटेशन इसी के थ्रू होता है, उस लॉ के थ्रू भी हम मेडिटेशन करते हैं। तो दिया एक लाइट रोशनी के अलावा भी बहुत सारी चीजें और लेके आता है। जैसे कि जब हम दिए में लौंग डालते हैं, अगर आप लौंग डाल के दिया जलाएंगे तो जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिस घर में वो भी दूर होंगी। अगर हम कपूर डाल के जलाएंगे तो घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। दिए में अलग अलग जो तेल यूज होते हैं, जो ऑयल यूज होते हैं, उनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे ही दिया हम हर घर में जलता है, किसी घर में घी का दिया जलता है, गाय के घी का दिया जलता है, किसी घर में हम मस्टर्ड ऑयल का जलाते हैं, जो सरसों का तेल जब यूज करते हैं तो वो शनि को ठीक करता है। ऐसे ही अगर हम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो वो गणेश जी के लिए जलाया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग घर में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं वो। तो आज जो ये सबने मिलके दिया जलाया, एक तो इन एकता को शो करता है कि हर धर्म के लोगों ने, और मैं तो बहुत समय से आवाज भी सुन पा रही थी कि कई लोगों ने पटाखे भी जलाए, तो बहुत बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट था। बिना दिवाली के भी हमें दिवाली, बिल्कुल दिवाली का एहसास हो गया। और जिस तरीके से पूरे देश ने एकजुटता दिखाई उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सकारात्मकता आएगी और कोरोना के खिलाफ जो जंग देश लड़ रहा है वो और मजबूत होगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि इन दियों का महत्व क्या है और किस तरीके से जो दिया